नमस्ते, आज गोवा में मेरा चौथा दिन है और चौथा दिन भी मेरा खत्म हो गया है। कल पूरे दिन थर्ड डे का मैं पूरा शूट नहीं कर पाया बिकॉज मैं बहुत ही बिजी था पार्टी में और कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने में, तो मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उसे शूट कर पाऊँ। लेकिन ठीक है, कल पूरे दिन मैं मोरजिम बीच पे था और मैंड्रेम बीच पे था, और लेकिन दोनों ही बीच इतने खूबसूरत है कि अगर आप गोवा में आए हो और आपने अगर मोरजिम बीच नहीं देखा, आपने अश्रेम बीच नहीं देखा और आपने अरम्बोल बीच नहीं देखा, तो आपने गोवा देखा ही नहीं। इस वक्त मैं अपने होटल में हूँ, मेरे रूम में हूँ और मैं सनसेट का पूरा मज़ा ले रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया है सनसेट का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर से एक बार सूरज डूबने में है और मैं इसको शूट कर रहा हूँ मेरे इस कैमरे से, तो ये एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो का पूरा मज़ा लें। देखिए, मेरे ठीक सामने सनसेट है, इसे मैं शूट कर रहा हूँ।
A very good morning. मैं आज आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे जिसका नाम है बीच स्ट्रीट, जो कि अरम्बोल से करीब करीब 2-3 किलोमीटर के दूरी पर है। और यहाँ पे जो बीच है बहुत ही इसका जो बीच जो है बहुत ही खूबसूरत है। और मैं बताऊँ कि जो ये बीच रिसोर्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। पुर्तगीज स्टाइल से यहाँ पे सारे जो है एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ, एक काफ़ी छोटी सी अच्छी सी बिल्डिंग बनाई है पुर्तगीज स्टाइल में, और उसके में एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है। और उसके आसपास जो उन्होंने हट्स बनाई हैं वो सारी की सारी इको हट्स है। उसमें ना तो कोई फैन है और ना कोई एसी है, ना कोई फ्रिज है, बट इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। और हट के बाहर का जो नज़ारा है सीधा सी फेसिंग नज़ारा है। चलिए तो मैं आपको इस प्रॉपर्टी से रूबरू कराता हूँ, इस प्रॉपर्टी को आपको दिखाता हूँ। और एक कमाल की चीज़ इस प्रॉपर्टी में ये भी है कि इस प्रॉपर्टी से जब आपको बीच की तरफ जाना होता है तो एक ब्रिज बनाया है जिसको क्रॉस करके आप टूवर्ड्स बीच की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ लेफ्ट में सारी बाइक पार्किंग है, राइट में भी काफ़ी पार्किंग है। ये पूरा एरिया जो है इनका पार्किंग का एरिया है। यहाँ से अब हम यहाँ से स्ट्रेट जो है अंदर एंट्री है। जिन लोगों को अरम्बोल बीच पे नहीं उतरना है इस टाइप के छोटे से हट्स में, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक और लग्जरी प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। यहाँ की प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊँ कि हट्स ही है लेकिन हटके है, कुछ अलग है। ये आप देखिए मेरे लेफ्ट में जो है हट्स है। और यहाँ का जो रेंट है पर डे का करीब करीब 4-4.5 हजार के आसपास है। काफ़ी शानदार हट्स बना है इन्होंने, इनका नाम इन्होंने यहाँ पे इको हट्स रखा है। देखिए सामने आपको एक जो वाइट और येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है, ये बहुत इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा पोर्तुगीज स्टाइल से बनाया है। और इसमें कुछ भी नहीं सिवाय एक स्विमिंग पूल के और एक बार है अंदर, तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको यहाँ पर भी ले चलता हूँ। लेफ्ट पे है मेरे आपके जो सामने दिख रहा है बीच हट का, ये इनका रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं। सीधा सामने समुंदर है, कितना खूबसूरत व्यू है इसका, लोकेशन कितना ब्यूटीफुल, आप ये देखिए। ये जो मैं आपको हट्स दिखाता हूँ ये बीच से जो लगे हुए हैं प्रीमियम हट्स है लेफ्ट में, इनके रेंट और भी ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आपको दिख रहा है तो एक छोटा सा ब्रिज है जिसे क्रॉस करके आप बीच की तरफ जा सकते हैं। और ऐसा ही एक ब्रिज इस तरफ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, जिस पे चल के आपको बीच की तरफ जाना है। और ये ठीक सामने जो एक रेस्टोरेंट है, सामने की जो ये बिल्डिंग है मैं आपको इसमें ले चलता हूँ।
बीच स्ट्रीट इको हार्ट स्पा मैंड्रेम बीच पे है और इस बीच की खासियत यह है कि इस बीच पे काफ़ी शांति है, आपको कोई शोरगुल आवाज़ वगैरह कुछ सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे कोई शेक्स भी नहीं है, कोई म्यूजिक भी नहीं है। अब मैं आपको इस बीच की ओर ले चलता हूँ। देखिए सामने की तरफ एक सिंगल शेक्स भी नहीं है, यहाँ पर दूर दूर तक पब्लिक भी बहुत कम है और बहुत ही ज्यादा इस ब्रिज के ऊपर प्राइवेसी है। इस ब्रिज के दोनों तरफ देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भी नजारा बहुत ही ज्यादा पब्लिक न होने की वजह से यहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और कोई शेक्स ना होने की वजह से यहाँ पे म्यूजिक भी बहुत कम है। और एक और चीज़ है, खाने पीने के थोड़े से ऑप्शन कम है आपको, सिवाय इस रिसोर्ट के कहीं और खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं एक दिन यहाँ पर भी पूरा दिन अपना बिताता हूँ। आवाज नहीं लगती होगी बल्कि एक खूबसूरत सा गाना लगता होगा, जिसे आप मेरी तरह ही, मैं इस तरह से इसे गाने समझ के एंजॉय करता हूँ, तो आप इसे एक म्यूजिक समझ के इसे एंजॉय करें। अभी काफ़ी कुछ चलने के बाद में मुझे आगे यहाँ पे कुछ शेक्स दिखे हैं जहाँ पे с тобой.
बहुत है प्रवचन भाई मजाक हुआ Thank you.